आपके साथ। कोरोना काल के बाद स्कूलें खुलनी शुरू हो गई है, बोर्ड की परीक्षा भी अब नजदीक है। ऐसे में घर पर रह रहे छात्रों को निजी शिक्षण संस्थान का लाभ जरूर मिला है। वो शिक्षण संस्थान जो साल भर से घरों में रहकर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, अब वक्त है सिलेबस पूरा कर लेने के बाद उन छात्र छात्राओं के आजमाइश की। इसी कड़ी में पूर्णिया के केमिस्ट्री पॉइंट द्वारा 400 छात्र छात्राओं का आज सेंटअप टेस्ट लिया गया। ये सेंटअप टेस्ट 12वीं के बोर्ड से पहले उनकी तैयारियों को देखने के लिए लिया गया था। इस 400 छात्रों के लिए 4 सेंटर का भी चयन किया गया। पूर्णिया के विभिन्न 4 केंद्रों में केमिस्ट्री पॉइंट के छात्र छात्राओं ने सेंटअप टेस्ट देकर अपने सिलेबस को भलीभांति शिक्षकों तक पहुंचाया है। इस बाबत केमिस्ट्री पॉइंट के निर्देशक प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना काल में लगभग 9 महीनों तक छात्र छात्राओं ने घर पर रहकर ही तैयारी की है। ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने सबके सिलेबस पूरे करवाए हैं और अब वक्त आ गया है कि उन सिलेबस को पूरा करने के बाद ये लोग एक सेंटअप टेस्ट दें, जिससे ये तय हो पाए कि छात्र छात्राएं आने वाले 12वीं की परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो है बोर्ड जो टेस्ट ली जाती है कोचिंग संस्थान के द्वारा, उसी का टेस्ट था। कितने बच्चे अपीयर किए हैं? अपीयर जो है 200 बच्चे का एडमिट कार्ड बना, 200 बच्चे अपीयर हुए हैं और सबका जो इसका एडमिट कार्ड जो नहीं बनवा सके थे उनका जो है दूसरे जगह जहाँ की केमिस्ट्री पॉइंट में उसका एग्ज़ाम हो रहा है। पूरा पूर्णिया में जो है 4 जगह सेंटर था, चारों जगह में ये आपका यहाँ भी एक जगह सेंटर है और जिनका एडमिट कार्ड नहीं बन पाया तो उनका जो है सेंटर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट में दिया गया। कौन से क्लास के बच्चे? ये कौन सा बोर्ड है? 12th का बोर्ड है, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड 12th का एग्ज़ाम है, ठीक है उसी का। तो क्या ये आधिकारिक बोर्ड है या फिर आप अपने संस्थान की तरफ से? नहीं, हम अपने संस्थान की तरफ से हर साल ये टेस्ट लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जो है एडमिट कार्ड बनाया जाता है, फिर उसका सेंटर जो है कई कोचिंग के बहुत बड़े संस्थान से जो है जहाँ जहाँ बच्चे जाते से जाते हैं वहाँ पर कैपेसिटी हो पाए उसके लिए वहाँ पर हम लोग सेंटर लेते हैं। अच्छा, ये मान के चला जाए कि अब ये बच्चे सेंटअप हो गए हैं जी, अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। जी जी,